मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि मुंब्रा में दवाखाना चलाने वाले डॉक्टर सिराज खान की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और अब इस हत्या के मामले में शील डायगर पुलिस ने महज 6 से 8 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी एक रिक्शा ड्राइवर है जिसका नाम वसीम सत्तार मेमन, उम्र 44 वर्ष बताया जा रहा है। ये वसीम सत्तार मेमन जो रिक्शा ड्राइवर है जिसकी रिक्शा में डॉक्टर सिराज अमृत नगर से बैठे थे, बताया जा रहा है कि इसी ने हत्या की और खल्डी रोड तालाब के पास में डॉक्टर सिराज की डेड बॉडी जो है फेंक दी थी। लेकिन शील डायगर पुलिस ने बड़ी तत्परता से इसकी जांच पड़ताल शुरू की, तमाम सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले गए, जिसके बाद इस रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस के तरफ से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार डॉक्टर सिराज जो है वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर जिसका नाम वसीम सत्तार मेमन बताया जा रहा है, इनको कुछ पैसे दिए थे ऑटो रिक्शा का जो है लोड या टैक्स भरने के लिए। लेकिन वो ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो वो पैसे भर नहीं रहा था, जिसको लेकर डॉक्टर सिराज जो है ऑटो रिक्शा ड्राइवर वसीम को लगातार फोन कर रहे थे कि आखिर तुम पैसा क्यों नहीं भर रहे हो। पैसों के लेन देन की वजह से ये विवाद काफी बढ़ गया और आखिरकार जब अपना क्लिनिक डॉक्टर सिराज रात 1 बजे के आसपास बंद करके अपने घर जाने के लिए निकले, उस वक्त ये रिक्शा ड्राइवर वसीम सत्तार मेमन अमृत नगर गेट के आसपास ही ये घूम रहा था और इसने जो है डॉक्टर सिराज को वहां से पिकअप किया और उसके बाद खल्डी रोड तालाब के पास जो है उनकी डेड बॉडी मिली। बताया जा रहा, पुलिस ने बताया कि सर सिराज जो है वो पानी पी रहे थे और उसी वक्त उनका पीछे से गला दबाया और उसके बाद जो है जब वो गिरे तो उनके सर पे जो है पत्थर से वार किया और इनकी दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे हत्या के मामले में एक आरोपी शामिल है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है जिसका नाम वसीम सत्तार मेमन, उम्र 44 वर्ष बताई जा रही है। बहरहाल शील डायगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई सचिन गावड़े ने इस पूरे हत्या का खुलासा करते हुए क्या कुछ जानकारी दी है वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन बता दें आपको कि आज गिरफ्तारी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया जो आरोपी है और उसे आज कोर्ट में पेश किया गया है। शील डायगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई सचिन गावड़े ने इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। डॉक्टर सिराज अहमद जो मुंब्रा से मिसिंग हुए थे, उनकी डेड बॉडी फड़केपाड़ा मंदिर के पास मिली थी। बॉडी मिलने के बाद हमने तुरंत अपनी सारी टीमें उस पर काम करने के लिए लगाए थे। इसके बाद उनके पास उनका मोबाइल मिला था और बाकी सीसीटीवी फुटेज जो मिला थे, हम लोगों ने जब सब पूरा इंक्वायरी किया तो 5-6 घंटे के अंदर ही हमको कुछ क्लू मिल गए। और फिर हमने एक वसीम सत्तार मेमन करके एक ऑटो ड्राइवर है जो उनका जान पहचान वाला था, उसको इस केस में कल रात को गिरफ्तार किया है। तो क्या वजह थी उनका? उनका पैसे का लेन देन था, डॉक्टर साहब से उसने पैसे लिए हुए थे जो कुछ काम करने के लिए, डॉक्टर साहब उसको वो पैसे वापस मांग रहे थे। इससे लेके उनमें कहा सुनी हुई थी, 2 दिन पहले डॉक्टर साहब ने उसको कुछ बोला था तो उसका गुस्सा उसके दिल में था और वो गुस्सा उतारने के लिए उसने इस हत्या का अंजाम। उनके डॉक्टर साहब की गाड़ी है, उसका ग्रीन टैक्स भरने के लिए उन्होंने पैसे दिए थे उनको, तो वो काम इसने किया नहीं और पैसा उसके पास भी था और भी डॉक्टर साहब से उसने पैसे उधार लिए हुए थे, वो पैसे देने वो वापस मांग रहे थे, उसकी वजह से उन दोनों के बीच में चाहिए थोड़ी कहा सुनी हो गई थी और उसके लिए उसके दिल में गुस्सा था, इसलिए उसने ये सोच समझ के अंजाम दिया पत्थर से मारा। अभी तक तो जो इन्वेस्टिगेशन आएगा मैं आपको, नहीं अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा है, अभी जो वो रिक्शा में डॉक्टर साहब खुद उसके बैठ के आए हुए थे तो अभी तक तो कोई नहीं, पर अगर कोई निकलता है आके इन्वेस्टिगेशन पहला दिन अभी उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया हुआ है, कोर्ट से आएगा तो हम लोग बता देंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन चालू रहेगा। अभी आज पहला दिन है, पहले उसका एक वो मनोर से है, मनोर में उसके खिलाफ एक हाउस ब्रेकिंग का केस है, उसमें वो गिरफ्तार हुआ था 2-3 महीना पहले,
वो वही का रहने वाला है, अभी मुंब्रा में रहता है। तो बाकी कोई दूसरा केस अभी तक तो दिखाई नहीं, वो एक केस दिखता है उसका। हाँ, डॉक्टर का डेलीगेशन आया था, उन्होंने हमने उनको आश्वस्त किया है कि रात को वो जब भी जाए, मेरा पर्सनल नंबर है, पुलिस स्टेशन का नंबर है या हमारा जो थाने सिटी का 112 का नंबर है, उस पर आप कभी भी, आपको कोई भी चीज़ अगर लगती है, आपको अनसेफ लगता है, तो आप हमको कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारे पुलिस वाले जो रात भर पेट्रोलिंग में रहते हैं अलग अलग जंक्शन पे, मुंब्रा और डाइहर का हमारा जो ज्यूरिसडिक्शन टच हो रहा है, तो 112 पे कॉल करेंगे तो दोनों ज्यूरिसडिक्शन में अगर उनको समझ में भी नहीं आएगा तो भी वहाँ से कंट्रोल रूम से जो सही होगा उसको मैसेज जाएगा, हम उनके यहाँ पे पहुँच जाएंगे।